हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सारे के सारे। आज हम इस वीडियो के अंदर क्रेटा के जो सस्पेंशन है उसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से वो काम करते हैं। आप देख सकते हैं आने वाले टाइम, अभी आगे जो रोड आएगी उसके अंदर काफ़ी बहुत सारे आपको गड्ढे वगैरह दिखने वाले हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है इन गड्ढों के ऊपर, और आगे देखते हैं किस तरह से रोड अभी आता जाएगा उस हिसाब से उनकी क्वालिटी दे सकते हैं सस्पेंशन की। इसके अंदर किस तरह की सस्पेंशन की क्वालिटी है, इसके अंदर किस तरह से सस्पेंशन काम करते हैं इसके अंदर। और मैंने किया का सस्पेंशन देखा नहीं है, पर ये है कि हाँ मैं बेसिकली डेली ही मेरा यहाँ से अप डाउन होता है इस रोड से। एक कारण मेरा ये भी था कि जिस कारण मैंने क्रेटा ली थी, क्योंकि मैंने सुना था कि भाई क्रेटा का सस्पेंशन जो है काफ़ी सॉफ्ट है एज कम्पेयर टू किया से। तो गाइस थोड़ा सा वीडियो अनस्टेबल हो सकती है क्योंकि मैं ऐसे अपना आप बना रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। और मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ इसके अंदर की सस्पेंशन क्वालिटी वो आप देखिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा रोड जो है बम्पियर आने वाला है, थोड़ा सा गड्ढे वगैरह भी आने वाले हैं, तो गड्ढे के अंदर थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि क्वालिटी जो है सस्पेंशन की किस तरह से है। और एज कम्पेयर जैसे मेरे पे पहले डिजायर थी, तो मैं फिलहाल उससे कंपेयर करूंगा इस चीज को कि डिजायर से, और वो चल भी जा चुकी थी, लगभग 9 साल मैंने चलाया था उस डिजायर गाड़ी को अपनी, वो भी डीजल मॉडल ही थे मेरा। और आप देख सकते हो मेरी गाड़ी 5,000 किलोमीटर चल चुकी है। मैंने इसे 26 जुलाई को परचेज किया था और अराउंड 2 महीने के अंदर मेरी गाड़ी 5,000 किलोमीटर चल गई, क्योंकि मेरा लगभग 80 किलोमीटर का डेली का अपडाउन है। मेरा ऑफिस जो है वो दिल्ली में पड़ता है, और जल्दी एक वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं आपको जो क्रेटा का डीजल का जो एवरेज है इन दोनों पोजीशन में, क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, तो मेरा लगभग 30-35 किलोमीटर जो मेरा राइड है वो हाईवे का पड़ता है, और अराउंड मेरा लगभग 5-10 किलोमीटर, लगभग अप्रोक्सीमेट कह रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं कह रहा, वो मेरा लगभग पड़ता है दिल्ली का। दिल्ली में भी ऐसा जहाँ बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, बिल्कुल भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि खुला इलाका मिलेगा, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। तो एक वीडियो उसके ऊपर भी आएगा कि मुझे कितनी एवरेज मिलती है इसके अंदर, तो वो हम कंपेयर उसको मेजर करेंगे बाय एमआईडी फिलहाल, और टैंक टू टैंक वाला हम बाद में करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर क्रेटा की जो है बम्प राइड हम दे सकते हैं इसके अंदर, या फिर सस्पेंशन टेस्ट कह सकते हैं हम लोग, या सस्पेंशन की क्वालिटी कैसी है वो दे सकते हैं। तो अब भी थोड़ा सा रोड बम्पियर आने वाला है, देखते हैं इसके अंदर। तो ठीक है, एज कम्पेयर टू मैंने तो ब्रेज अपनी डिजायर ही चलाई है, तो मैं डिजायर से ही कंपेयर कर सकता हूँ इसे फिलहाल। तो जैसे ये रोड है, ये इसमें बेसिकली क्या है दोस्तों, इसमें ना वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, तो ये देख सकते हैं आप एकदम कि यहाँ पे काम चालू हुआ है रेलवे ट्रैक का, तो इस कारण थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ट्रैफिक इसके ऊपर ज्यादा रहता है। इस तरह से ट्रैक्टर वगैरह ट्रॉली वगैरह ज्यादा चलती है इस रोड पे, तो अभी थोड़ा सा इन्होंने मेंटेन कर दिया है इस रोड को, पर तब भी आप देख सकते हैं कि गड्ढे वगैरह भी हैं, और गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरह से इसको मेंटेन करते हुए चल रही है, या फिर एब्जॉर्ब करते हुए सस्पेंशन इसको चल रहे हैं सारे के सारे। और ये देखिए आप एक बम्पियर थोड़ा स्लो करके ये देखिए, काफी आराम से निकल जाती है दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है एज कम्पेयर टू डिजायर। मैं कहूंगा अभी तो फिलहाल मैं किया मेरे पे है नहीं, बट ये है कि हाँ किया का बोलते हैं इससे काफी थोड़ा सा हार्ड है, काफी नहीं थोड़ा सा हार्ड बताते हैं सस्पेंशन इससे। तो एक रीजन मेरा ये था कि मेरा लगभग डेली ही यहीं से निकलना होता है, तो इस कारण भी मैंने क्रेटा को प्रेफरेंस दी थी, क्योंकि मेरा डेली का यहाँ से राइड है, और ये काम पता नहीं कब तक चलेगा, 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, कुछ कह नहीं सकते इसके अंदर। तो आप देखिए अभी देखिएगा, अभी परफेक्ट बम्प राइड स्टार्ट होने वाली है, देखिएगा किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ये देखिए आप आराम से निकल जाती है, छोटे छोटे बम्प राइड तो आपको पता भी नहीं चलेंगे कि आप एकदम निकल गए उसके ऊपर, और मेंटेन करके रखती है गाड़ी अपना अपनी स्पीड को भी और अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखती है उसके ऊपर। और अभी ये बम्प राइड थोड़ी कम हो गई, तो दोस्तों शॉर्ट वीडियो थी रिगार्डिंग इसके एब्जॉर्ब जो सॉकर्स है या उसके सस्पेंशन है उसके रिलेटेड। अब रोड थोड़ा स्मूथ हो गया है, तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और आप इस गाड़ी की से और क्या चाहते हैं आप चाहते, जैसे मैंने आप दिखाया, मैंने आपको दिखाया मैंने 5,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आप दिखेंगे कि मेरा 5,000 किलोमीटर जो मैंने 2 महीने में चलाया है
उसका मेरा रिव्यू कैसा रहा, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है कैसा रहा, अच्छा रहा बुरा रहा जैसा भी रहा, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स गाइस।